दहशत फैला देने वाले विस्फोट के बाद बेंगलुरु का प्रसिद्ध रामेश्वरम कैफे 9 मार्च को एक बार फिर से अपने अतिथियों के स्वागत के लिए तैयार है। रामेश्वरम कैफे बेंगलुरु का लोकप्रिय कैफे है, जहां दोपहर के समय खासा भीड़ देखने को मिलती है। कैफे को दोबारा खोलने के लिए रामेश्वरम कैफे के मालिक राघवेंद्र राव काफी खुश और उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि हम कल कैफे फिर से खोल रहे हैं। हम अपने दिन की शुरुआत राष्ट्रगान से करते हैं, ये हमारा मंत्र है। हमने सभी सीसीटीवी फुटेज और जानकारी दे दी है, हम उनका सहयोग कर रहे हैं। इतनी जल्दी कैफे फिर से खोलने में मदद करने के लिए हम सरकार के बहुत आभारी हैं। आपको बता दें कि बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड इलाके में स्थित लोकप्रिय रामेश्वरम कैफे में अचानक हुए विस्फोट में करीब 10 लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा इलाके को सील कर कार्रवाई की जा रही है। NIA द्वारा जांच प्रक्रिया जारी है। फिलहाल इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जांच एजेंसी द्वारा हमलावर पर 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की गई है।